अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ के आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने आज स्पष्ट कर दिया कि ओंकार तोमर खुदकुशी मामले में सभी नामजद लोगों की गिरफ्तारी से कम पर वे राजी नहीं है। भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। एडीजी राजीव सब्बरवाल ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इससे पहले अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मांग पत्र देने के बाद अधिवक्ताओं ने एडीजी कार्यालय तक पैदल मार्च कर उनसे मुलाकात की। अधिवक्ताओं के तीखे तेवर देखते हुए आज कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। आपको याद दिला दें कि बीते 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया था। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट में योगेंद्र व जोगेंद्र को भी नामजद किया गया था, जबकि ये एक ही व्यक्ति है। एक आरोपी संजय मोतला पुलिस दबिश से परेशान होकर खुदकुशी कर चुका है। वहीं भाजपा विधायक के बारे में पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ फिलहाल सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि ये सारी ही कार्रवाई सुसाइड नोट के आधार पर की जा रही है और सुसाइड नोट में भाजपा विधायक दिनेश खटीक को भी अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। संजय मोतला के खुदकुशी करने के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने में खुद को बैकफुट पर खड़ा पा रही है। इसके चलते ही अधिवक्ता आंदोलनरत है और कचहरी में सारे कामकाज ठप है। आज कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं ने धरना दिया और फिर जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं के तीखे तेवर देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हमारी सहयोगी शिवानी मांगवानी बता रही है वहां के हालात। तनु, जैसे कि आपको पता है अधिवक्ता सत्ताधारी पार्टी भाजपा विधायक के दिनेश खटीक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलनरत है। इस वक्त यहां भारी हंगामा व शोर शराबे जैसे हालात है। कचहरी में अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन दिया और अपनी मांग दोहराई। इसके बाद सभी जुलूस की शक्ल में एडीजी कार्यालय पहुंचे। यहां अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने एडीजी राजीव सब्बरवाल से मुलाकात कर अपना मांग पत्र दिया। एडीजी से मुलाकात के बाद मेरठ बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर त्यागी ने मीडिया को यह जानकारी दी। हो सकता है आप यहां से वहां तक जाएं और आपको कोई शुभ सूचना मिले। हम प्रयासरत हैं शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारियां। आपने एडीजी के सामने क्या मांग रखी जो आपने ज्ञापन? हमने सब गिरफ्तारियां रखी हैं। किस किस की गिरफ्तारियां? सभी की, 14 के 14 नाम जगह गिरफ्तारी के लिए हमने निवेदन किया, मांग पत्र दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन कहां तक जाएगा? आगे जाएगा, आगे इसे और तीव्र करेंगे, पूरे वेस्टर्न यूपी में बढ़ाएंगे, इसे वेस्टर्न यूपी की कोल करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि कल तक कुछ ना कुछ रिजल्ट आए। अभी ब्लैडेडी हमने क्या आश्वासन दिया? नहीं, हड़ताल जारी है कंटिन्यूअस। जब तक कोई रिजल्ट, जब तक रहेगी सख्ती के साथ जारी, जब तक जारी रहेगी जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिला। एडी साहब ने क्या चाहिए आपको रिजल्ट में? क्या चाहिए आपको? गिरफ्तारियां, हमें गिरफ्तारियां चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए कुछ। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर यूं ही बनी रहेगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल फर्स्ट बाइट, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।